आप देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के मामले बरेली के आंवला लोकसभा सीट से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जागेश्वर मंदिर परिसर में दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंदिर परिसर में गालियां देते नजर आ रही हैं। दरअसल बरेली के आंवला संसदीय सीट से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप शनिवार को अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर मंदिर पहुंचे। शाम को दर्शन के दौरान सांसद धर्मेंद्र कश्यप दबंगई पर उतर आए। आरोप है कि मंदिर बंद होने के समय उन्होंने परिसर में जाने की कोशिश की, प्रबंधक के मना करने पर सांसद गाली गलौज पर उतर आए। सांसद के मंदिर के अंदर दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे भी वो साहब है गाय बनाने हो गाय तेरी माने की बहन चुप तेरी किसकी यहाँ की व्यवस्थाओं के मामले। इधर सांसद के मंदिर के अंदर दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। आज प्रकरण को लेकर जागेश्वर विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जागेश्वर धाम सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर उपवास में बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि उनके इस कृत्य से धार्मिक ठेस पहुंची है और उन्हें इस मामले में मंदिर परिसर के पुजारियों से क्षमा याचना करनी चाहिए। बरेली आंवला क्षेत्र के भाजपा के सांसद माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी द्वारा 31 जुलाई को जागेश्वर में पहुँच करके जो उन्होंने यहाँ के प्रबंधक से और यहाँ के पुजारी के साथ जो घटना करी उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उनसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने जागेश्वर आकर के महाप्रबंधक जी से और यहाँ के पुजारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी भोले बाबा उनको माफ़ कर सकते हैं। और इस घटना के से शुद्ध होकर के मैंने 24 घंटे का उपवास करने का निर्णय किया है और वो उपवास में बैठा। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र कश्यप अक्सर जागेश्वर मंदिर आते हैं। उनके व्यवहार को लेकर पहले भी शिकायत आती रही है, लेकिन आज हुई घटना बड़ी बताई जा रही है। इधर जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गोविंद गोपाल ने कहा कि मंदिर परिसर भक्ति के लिए है और यहाँ शांतिपूर्ण माहौल बना रहना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रिति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।